हेलो एवरीबॉडी, हम लोग इस आप लोग कैसे हैं? नमस्ते सब लोग, कैसे हैं? फिलहाल हम लोग सब अच्छे हैं। अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग ये सब बोर्ड फेस्टिवल स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। चलिए आप लोग दूसरा वीडियो क्लिप में लेके जाता हूँ। हाँ, इधर हम लोग घड़ी लगाते हैं। अभी हम लोग को बाहर एक लेके जाएंगे आप लोग को, दिखाता हूँ। चलिए, हम ये मेरा डोर है, डोर को ओपन करता हूँ। वाओ, पूरा अंधकार, पूरा अंधकार का सीन। कौन सा कंपनी है? ओनिडा का टीवी है। दोस्त बोल रहा था चलेगा चलेगा, लेकिन चलता नहीं है। मालूम नहीं क्या किया था। ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड टूट गया। अभी कभी न कभी हम लोग को हमारा जो एक बांग्लादेशी मुकुल है बाहर में फेंक के रखा है। बोलता नहीं चाहिए, घर में होता बिक्री करता, बिक्री करके एक बोतल दारू लेके आता। इधर रखो रखो, हिल रहा हिल रहा। अभी हम लोग सोच रहे हैं इसको सेल में लगाएंगे, चाय बनाएंगे। एक मिनट के अंदर में हम लोग चाय बनाएंगे। फिलहाल हम लोग सब निकाल लिए हैं, चालू करते हैं। ये मेरा कुत्ते है, इसका ऊपर हम लोग पानी डालते हैं, इसका ऊपर हम लोग पानी डालते हैं। क्वांटिटी जितना चाहिए आपको उतना पीने का, बस थोड़ा पानी डाल। बस इधर ऑन करते हैं, ऑन करते हैं, चालू। गिलास को मैं वॉश करता हूँ। शुगर आ गया, टी बैग ऑलरेडी, हो गया है बॉइलिंग, हो गया पानी। चलिए बंद करते हैं। इस तरह से घर का जैसा नहीं है, रूम का जैसा है, घर का जैसा नहीं है। अब इधर सिंपली से है ना, जितना चाहिए आपको, कितना चाहिए क्वांटिटी आपको उतना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं शुगर इधर है, आपको कितना शुगर चाहिए। मैं शुगर कम खाता हूँ, शायद शुगर हो जाएगा तो मुश्किल है ना, अवॉइड करना बहुत जरूरी है। खाना पीना बाद में, बहुत खा लिया। देखिए पूरा कड़क चाय पूरा कड़क है ना, चाय पूरा कड़क बन गया है। टेस्ट करता हूँ, हाँ वाओ, सेम लाइक ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी भी है इधर, उतना पीता नहीं हूँ चाय, उतना पीता नहीं हूँ मैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बाहर में ना कुछ दिनों में पहले एक जो चीज हम लोग साथ इधर घटना रहता ना, कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट
है ना, हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो के जरिए आपके पास पहुंचते हैं। एक आदमी को हमारा उससे टारगेट कर दिया है ना, क्या प्रॉब्लम था उसका? एक आदमी नहीं, बहुत सा आदमी मेरा इधर, मैं बहुत सा आदमी को मैं देखा कि इधर से फ्रॉम टारगेट कर दिया। कंपनी किस तरह से आपको टर्मिनेट करता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टर्मिनेट भिन्न सुधा आपको कंपनी आपको रिमूव कर देगा, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर, यदि आपको कुछ आप अगर काम नहीं कर रहे उसको आपको काम नहीं कर रहे तो आपको इधर कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगा। तो इंसिडेंट क्या हुआ था, एक बंदा को गल्फ लाइफ में ना, गल्फ में इधर कोई किसी का नहीं है, किसी का इधर माया दया बोल के कुछ नहीं है। अब 4 लाख खर्च करके और 4 लाख या 2 लाख खर्च का कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई दिखाई गुंजाइश नहीं। आपको जितना दिन काम करना है उतना दिन आपको सही है, आप क्या है सही है, कंपनी आपको पहचानता नहीं है, आपको कैरेक्टर को पहचानता है। कैरेक्टर मीन्स आपको जो काम करते हैं ना, 8 घंटा आपको कंपनी पहचानता है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जितना भी उस कंपनी में आप ड्यूटी करते हैं, जितना भी आप उस कंपनी के ड्यूटी करते हैं है ना, उस टाइम आपको पहचानता है। चाय पी लेता हूँ। कंपनी आपको पहचानता है। 3-4 घटना मैं देखा मेरा आंख सामने। एक बंदा था, रिसेंटली बंदा था, वो क्या किया कि ड्यूटी करते करते उसने काम उसको अच्छे नहीं लगा। सडनली कोई आदमी उसको, मान चले कोई आदमी काम कर रहा है, काम करते करते किसी ने कुछ बोल दिया है ना, काम तो क्या आपको प्रेशर है, गल्फ कंट्री में ऐसा नहीं है कि काम का प्रेशर रहता है ना, प्रेशर रहता है, प्रेशराइज रहता है। अब 3 आदमी काम 2 आदमी करने पड़ते हैं, 4 आदमी काम 2 आदमी करने पड़ते हैं, स्ट्रेस इसका आपको प्रेशर हो जाता है ना, टाइमिंग में आपको सब चीज करना है, एक टाइम शेड्यूल रहता है, उसमें आपको फिनिश करना है। तो इस तरह से प्रेशर थाने के बाद उसने क्या किया, एक कोई बंदा ने उसको टोक दिया या तो बोल दिया तुम सप्लाई नहीं दिए, ये नहीं दिया, तुम्हारा काम नहीं हुआ। सडनली कुछ बोला, बोलने के बाद वो क्या ड्यूटी छोड़कर रूम में आ गया, बोला मेरा काम नहीं चाहिए, मैं काम नहीं कर। होता है इंसान को नेचुरली होता है कि काम करते करते किसी ने अगर टोक दिया तो कोई इस तरह से आपको हो जाता है। तो मेरे को गुस्सा आता है, मैं काम कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, अब किसी ने आपको ये काम अच्छा नहीं, वो काम अच्छा है बोल देगा तो ऑटोमेटिकली आपको गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही हुआ, होने के बाद क्या, वो 4-5 दिन घर में बैठा, इधर का जो मैनेजर है, जो भी उसका इंचार्ज है, सुपरवाइजर है उस कंपनी का, उसको बुलाया, क्यों क्या हुआ आपको, तुमको काम छोड़ के गया रूम में बैठा है, बोला। तो उसने बोला मेरे को काम नहीं करना है, बहुत इधर काम कर लिया और नहीं करना है, ऐसा बोला, ऐसा इतना काम करने के बाद भी को बात सुनना पड़ रहा है, ये आपको बोला। कंपनी आपको जरूरत नहीं है, जरूरत आपका है, हमको है, ऐसा है इधर कंपनी क्या, उसके पास बहुत पैसा है, आज एक लेके जाएगा कल लेके आएगा, उसको इतना उसका स्टेमिना है ना। तो इसलिए आपको जो भी काम करना है थोड़ा माइंड से, शांत से, धीरे से, कोई फॉल्ट हो गया, क्या मिस्टेक हो गया, उसको सुलझाना ऑटोमेटिक। इस तरह से लास्ट
चार साल पहले मैंने जब इधर नया नया मैं आया था, 4-5 साल पहले मैं इधर नया नया आया था, उसी टाइम एक आदमी आदमी को मैं देखा कि आदमी को मैंने देखा साला बहुत कड़क हो गया भाई, बहुत कड़क है, हार्ड है भाई, हार्ड टी है। तो एक आदमी को देखा को बेचारा, उसको 3 महीना से सैलरी नहीं आया, 3 महीना से उसको सैलरी नहीं आया। क्यों? रीजन है, उसने कंपनी से कुछ मैनेजर से या तो कुछ से उसको अब काम करते करते लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया। लफड़ा करने के बाद वो बोला मैं काम नहीं, मेरा टिकट दो, नहीं जाएगा। कंपनी बोलता तुमको अभी टिकट नहीं मिलेगा, तुम काम करो आराम से। बोला वो सुना नहीं, वो काम ही भी नहीं किया, है ना, काम नहीं किया। 3 महीने तो उस कंपनी उसको नहीं भेजा, कंपनी ने उसको 3 महीने तक घर में नहीं भेजा। कंपनी को अच्छा था, इधर उसको फूड मिलता था, लॉजिंग एंड फूडिंग मिलता था, 3 महीने तक सैलरी नहीं दिया। ऐसे सब जो इंसिडेंट है, इस कंपनी बहुत सा इंसिडेंट है इधर ना, बहुत सा इंसिडेंट है। जैसे कोई को बंदा को अभी देखिए, अभी रिसेंट में 2-4 महीना पहले मैंने एक उसको डिस्कस कर रहा था, बांग्लादेश का आदमी को, उसको 3-3 महीना होगा, 4-4 महीना होगा, सैलरी नहीं मिला। काम कर रहा बंदा, काम कर रहा है, खा रहा है, फिर बट उसको सैलरी नहीं आया। इस तरह से बहुत सा एक्सीडेंट रहता है इधर, ऐसा इजी नहीं है। आप गल्फ कंट्री में नौकरी करना, आप सही राइट ट्रैक में राइट आपको कंपनी नहीं रहेगा ना, आप काम नहीं कर सके, घर भी जाने सके, इस कंडीशन में हालत में कर देता कंपनी, किसको बोलेगा? आपको कोई पसंद है? कंपनी पसंद है, पुलिस बोलो, कोर्ट बोलो, कचरी बोलो, सब उसका हाथ में, आपके आप कुछ नहीं जानते, दूसरा देश में आप कुछ नहीं, उनका टाइम भी नहीं रहता है उतना, आपका पावर भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है फाइट करने। इस तरह से बहुत सा इंसिडेंट रहता है इधर। इसका मेरा मतलब है कि आप जो भी काम करिए, अपना सही सलाह से काम करिए, कोई मिस्टेक हो गया तो अपना मिस्टेक हो गया सॉरी वॉरी माफ कर आपका काम कर लीजिए, सर्टन बेटर होगा आपको। इधर रहना है तो नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, चलो पत्रिकाले से निकल जाओ, अपना टिकट आएगा उस टाइम में जा चल जाने बस क्लास। इस आउट ऑफ कंट्री में लफड़ा कर फायदा नहीं है। इस तरह से कंपनी ने कुछ कुछ आदमी को टर्मिनेट करते हैं। हम लोग का क्या कैटरिंग कंपनी है, कैटरिंग कंपनी क्या है, आपको खाना लॉजिंग फूडिंग कंपनी प्रोवाइड किया, दूसरा कंपनी खाना भी नहीं देता है, खाना भी नहीं देता। मैं दुबई में देख रहा था कितना आदमी को, दुबई में देखा था कितना आदमी को काम नहीं है बोल के उसने उठाया दूसरा ट्रांसपोर्ट जाना है, दूसरा जगह जाना है, जाकर जाना है उसको पता, उसको बस स्टॉप ले गया, 4-5 बंदा को बस स्टॉप ले गया, कैब कर गया, मैं टैक्सी कर गया लेके आया, उसमें आपको बस स्टॉप छोड़ दिया, इधर वेट करो मैं आ रहा हूँ, बोल गए वो उधर भाग गया। लेबर ने पैसा है ना, खाने का क्या है ना, क्या है रहने का जगह है ना, खाने का पैसा है ना, किधर रहेगा, किधर सोएगा पता नहीं। कितना आदमी लोग रास्ते में गुजर रहे हैं। उस दिन मैं वीडियो देख रहा था दुबई में, दुबई का वीडियो लाइव चल रहा था। 2-2 लाख रुपए एजेंट्स लिया दुबई जॉब के लिए, विजिट वीजा में भेजा, भेजने के बाद क्या उन्होंने जॉब ही नहीं, भाई खाने का पैसा नहीं है, रहने का जगह नहीं है, एटलीस्ट सैलरी नहीं मिला तो खाने और रहने का जगह चाहिए ना। आउट ऑफ कंट्री बड़ा बड़ा शहर में कोई किसी को नहीं है, आपको गांव वाला कुछ भी कोई हेल्प नहीं करता है।
हेल्प कैसे करेगा? अभी मान के चले मैं इधर हूँ, मेरा रिलेटिव मस्कट में है, सलाला में, कुछ भी है ना, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर मेरा था, 800 किलोमीटर दूर मेरा था, पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं, ऐसे ऐसे मुसीबत हो जाता है आउट ऑफ कंट्री में, उतना ईजी नहीं है। यदि कंपनी सही रहेगा, सही रहेगा तो आपको सब चीज फैसिलिटी सब चीज मिलेगा, विजिट विषय में आइएगा बहुत मुश्किल। जानकारी आदमी जानकारी या जॉन पूछकर आइए, सबसे बेटर है आपके लिए, है ना, इस तरह से रहता है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होता है आप लोग से।